दोस्तों मेरा नाम है दिव्यदन अग्रवाल, आप देख रहे हैं 28 फरवरी का बैच। या बैग दिखाइए, रजिस्टर, थर्मिस्टर और कैपेसिटर कल कैसे क्लियर हुए आपके? बहुत सही तरीके से। किससे बने हो गए यहाँ पर जाने के बाद? आज है डायोड की क्लास। डायोड की क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को बताइए? किसको समझ में आया? टेस्टिंग में कोई कमी तो नहीं कर रहा हूँ? शाम को प्रैक्टिकल कौन कौन करने वाला है इसका? किन किन ने आप सीपीयू रिकॉल किया बताइए? 4G सीपीयू? Yes, sir. बताओ किन किन ने डुअल डेकर वाले सीपीयू रिवॉल्व किए? स्टेंसिल है सर, हो जाता है सब, इससे भी हो जाता है। टेढ़ी स्टेंसिल से भी कर देते हो, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो सर। जब क्लास की तो समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अच्छा, लेकिन इंट्रोडक्शन होने के बाद जो फर्स्ट दिन क्लास हुआ, सर ने इतने डीपली समझाया कि पूरा समझ में आ गया। अब जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है उस तरह से पूरा समझ में आ रहा है होता क्या है, हो कैसे रहा। सर किस लेवल के सर? लेवल क्या है उनका? उनके बारे में तो बोल ही नहीं सकती, इतनी एनर्जी उनके पास, हम कम गिर जाते हैं उनके एज के हिसाब से, उतनी एनर्जी हमारे पास कभी भी नहीं आ सकती। सीपीयू रिकॉलिंग के अंदर एंड्रॉयड ड्यूल डेकर और आईफोन तक के सीपीयू इससे किए, यूनिवर्सल स्टेंसिल लैंग्वेज में समझाया। और मेरा मानना है जहाँ तक कि देव सर जैसा टेक्नीशियन और उनके जैसा R&D कोई नहीं कर सकता सर पूरे इंडिया में। तो आप उनका नॉलेज हमेशा गेन वाला नॉलेज देखते हो? यस सर, यस सर। देव सर से बेस्ट कोई कंपोनेंट पढ़ा सकता है आज की तारीख में? इंडिया की बात करूं, कोई भी नहीं सर, कोई भी नहीं सर। दिल्ली में गया मैं, दो चार जगह देखा मगर किस क्रम में नहीं कर दिया सर, इधर आके कर दिया। तो दो दिन में बहुत अच्छा लगा सर। दो दिन साल में इतना नॉलेज नहीं मिला जो दो दिन में मिला वो 5-6 साल में नहीं मिला। देखो सर, तो मैं अपने मोबाइल की फील्ड में बोलूँगा, मैं एक समंदर है, ज्ञान का समंदर, मैं ऐसा बोलूँगा उनके बारे में, क्योंकि उनकी वीडियो देखती ही मैं आया था। और मैंने बहुत सारे टेक्नीशियन की वीडियो देखे हैं, लेकिन जो टेक्नीशियन की लैंग्वेज होनी चाहिए पूरी की पूरी, वो देव सर की लैंग्वेज है, और वो देख रही मैं आया था इधर आया। डबल डेकर और आईफोन का सीपीयू किया आपने? रिबॉलिंग किया? यस सर। कैसा लग रहा भाई? बहुत अच्छा लगा सर। है? कोई दो दिन में इतना सब कुछ करवा सकता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये सारी इंडस्ट्री ट्रिक पे चल रही है। yes. आपको प्रॉपर ट्रिक मिल रही कि नहीं मिल रही? बिल्कुल सर, हमको विश्वास भी नहीं था कि हम मतलब दो दिन में ये कर पाएंगे। सर मेरा नाम गौरव, मैं दिल्ली से। यूनिवर्सल स्टेंसिल से आईफोन की और डबल डेकर? कौन सी स्टेंसिल जरा बताइए? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल से आईफोन की भी करी, डबल डेकर की भी करी? यस सर। कैसा लग रहा है भाई आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। रिबॉलिंग में सर मैंने डबल डेकर सीपीयू रिबॉल किया। हां, और आईफोन के 8 प्लस जैसे सीपीयू वो रिबॉल की, उनको मैंने 5 बार किया। कल MMC रिबॉलिंग कर दिया सर, डबल डेकर भी कर दिया। डबल डेकर भी कर दिया, और क्या क्या साथ में? यूनिवर्सल में कर दिया। यूनिवर्सल है के बाद क्या लगा आपको? सर वो थ्योरी तो समझाते हैं, साथ में प्रैक्टिकल भी करते हैं, पूरा दिमाग में बैठता है, पूरा दिमाग में। आज शाम को प्रैक्टिकल होता है तो बिल्कुल बैठ जाता है, एकदम डीपली में समझ में आया। जैसे कि देव सर ने बहुत बहुत नज़दीक जाके समझाया, एकदम डीपली में उतर के, फिर वहाँ से फिर प्रैक्टिकल में पूरे प्रोजेक्ट मालूम पड़ गया क्या कुछ सर कहाँ है। डबल डेकर सीपीयू, आईफोन का सीपीयू, आपने क्या की नहीं किया? कौन सी स्टेंसिल से करा आपने? यूनिवर्सल, थोड़ा बताइए। ये यूनिवर्सल देखिए, ये सीपीयू कौन कौन से? और डबल डेकर। आईफोन कौन सी स्टेंसिल से? ये वाली स्टेंसिल से सर, ये यूनिवर्सल स्टेंसिल। यूनिवर्सल स्टेंसिल, इसको यूनिवर्सल स्टेंसिल ही बोलते हैं ना। यस, इसमें आपने क्या क्या किया मेरे भाई? आज डबल डेकर और एक आईफोन का सीपीयू। आईफोन का भाई नेपाल से हूं, नेपाल से हो भाई, और डबल डेकर, डबल डेकर का, डबल डेकर सीपीयू आपने इसी स्टेंसिल से करा? जी। आप सच बोल रहे हैं? जी। हो रहा भाई आपको? सर बहुत डीपली समझे उसमें, पूरा नेक्स्ट लेवल तक, नेक्स्ट लेवल तक समझा, नेक्स्ट लेवल का एंडलेस है इसके ऊपर कुछ है क्या? पूरा चीज उसका सारा प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया सर? बोट पे क्या प्रैक्टिकल? यस सर। थर्मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीयू निकालना है। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?
बेसिकली मैं कोई सा भी कंपोनेंट आपको दे दूं तो आप उसकी रीडिंग निकाल सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हो, होल टेस्टिंग कर सकते हो, कर सकते हैं। और रजनीश बताओ मेरे को, दो दिन का क्या अनुभव हुआ तुम्हारा? सर जीरो था पहले, दो दिन में 50% हीरो तो जरूर बन गया सर। दो दिन में? यस सर। पैसा वसूल हो रहा है तुम्हारा? यस सर। मैं बिहार से हूँ। हाँ शुभम, दो दिन की क्लास की बात करेंगे, क्या क्या बोलोगे आप? क्लास बहुत बढ़िया रहे, प्रथम दिन मैंने EMMC की रिबॉलिंग की बहुत अच्छा से, एक बार में ही कर ली। और आज मैंने पावर आईसी और आईफोन की और डबल डेकर तीनों किया, तीनों की एक ही बार में बहुत बढ़िया से। कौन सी स्टेंसिल दिखी जा रहा है जनता को बताओ? यूनिवर्सल देव सर की पढ़ाई के बारे में, बहुत ही अच्छे सर ने पढ़ाए हैं, जो एक ही बार में कौन से पूरा दिमाग में आ गया है। पहले तो आईसी रिवॉल्विंग में ही आधा तक करने, तो आईसी रिवॉल्विंग करने फर्स्ट टाइम किया आपने? हाँ सर। ऐसे टेलीकॉम में आके फर्स्ट टाइम किया, पहली बार स्टेंसिल पकड़ा। और अगर मैं आपको कोई सी भी आईसी देता हूँ, 4G आईसी देता हूँ, आईफोन का सीपीयू देता हूँ और देता हूँ स्टेंसिल, कौन सी? यूनिवर्सल। बताओ इसको, यूनिवर्सल स्टेंसिल देता हूँ आपको मैं, है ना? तो आप कर दोगे नहीं? कितनी देर लगेगी ईमानदारी से? 2 मिनट। तो क्या बता सकते कि नहीं बता सकते? क्या आप रजिस्टर का काम बता सकते कि नहीं बता सकते? थर्मिशन कितनी देर में ढूंढ के दे दोगे मेरे? 2 मिनट। 2 मिनट में सर EMMC रिवॉल्व की आई गई, जो मैंने 5 से 10 बार पावर आई थी और EMMC के, ठीक है, और की कंपोनेंट की क्लास भी देव सर के साथ, ठीक है, वो काफी अच्छी रहे और डीपली नॉलेज मिला, ठीक है। रिबॉलिंग में सर मैंने डबल डेकर सीपीयू रिबॉल किया। हाँ। और आईफोन के 8 प्लस जैसे सीपीयू वो रिबॉल की, उनको मैंने 5 बार किया। 5 बार किया तो इसके पहले मैंने आईफोन का सीपीयू रिबॉल कभी यूनिवर्सल इंटेंसिव से नहीं किया। कॉन्फिडेंस हो जब बहुत बढ़िया थी सर, देख सर ने हमको बहुत डीपली समझाया, एक एक को बहुत डीपली, मतलब सब समझ में आ रहा था। और वही हमने शाम को प्रैक्टिकल किया सर, पहले दिन मैंने EMMC रिवॉल्विंग की, इससे पहले मैंने मोबाइल का भी देख, मतलब अंदर का जो EMMC रहता है सर्किट भी नहीं देखा, भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा था आपने, पूरे प्रेशर हो इसके लिए। जी सर, इस फील्ड में पहली बार SMD पकड़ी, पहली बार स्टेंसिल से रिवॉल्व करा, अभी 4 बार CPU भी किया आपने, डबल डेकर CPU भी किया, और आज और आईफोन भी किया आपने। यस सर। कैसे रही कंपोनेंट की क्लास आपकी? पूरे डीपली समझ आ गया सर। मेरा नाम गौरव, मैं दिल्ली से, और यूनिवर्सल स्टेंसिल से आईफोन की और डबल डेकर की। कौन सी स्टेंसिल जरा बताइए? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल से आईफोन की भी करी, डबल डेकर की भी करी। यस सर। कैसा लग रहा है भाई आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो कंपोनेंट पूरा दिमाग में आया कि नहीं? सर बिल्कुल आराम, बिल्कुल आराम से पहचान। जय मुंबई से। अजय मुंबई से। डबल डेकर, डबल डेकर क्या और आईफोन का सीपीयू क्या? रिबॉलिंग क्या? यस सर। कैसा लग रहा भाई? बहुत अच्छा लगा सर। है? कोई 2 दिन में इतना सब कुछ करवा सकता है? नहीं सर बिल्कुल नहीं। ये सारी इंडस्ट्री ट्रिक पे चल रही है। yes. आपको प्रॉपर ट्रिक मिल रही कि नहीं मिल रही? बिल्कुल सर, हमको विश्वास भी नहीं था कि हम मतलब 2 दिन में ये कर पाएंगे काम है इसका, कैसे काम करता है, पूरी अच्छी जानकारी हमको दी, जो कि हमको पूरी समझ में आ गई, पूरी समझ में। हाँ। ऑन PC भी, ऑन ऑन प्रैक्टिस प्रमोद महाराज से 6 साल में, मतलब इतना नॉलेज नहीं मिला, 2 दिन में मिला। जो 2 दिन में मिला वो 5-6 साल में नहीं मिला। कल मैंने EMMC रिबॉल की 5 बार, आज आईफोन का CPU किया, 3 बार रिबॉल किया, और डबल डेकर आईसी भी, वो CPU मैंने 2 बार रिकॉल किया। देखो सर, तो मैं अपने मोबाइल की फील्ड में बोलूँगा, मैं एक समंदर है, ज्ञान का समंदर, मैं ऐसा बोलूँगा उनके बारे में, क्योंकि उनकी वीडियो देखते ही मैं आया था, और मैंने बहुत सारे टेक्नीशियन की वीडियो देखे हैं, लेकिन जो टेक्नीशियन की लैंग्वेज होनी चाहिए पूरी की पूरी, वो देव सर की लैंग्वेज है, और वो देख रही मैं आया था इधर आया। कल EMMC रिबॉलिंग कर दिया सर, डबल डेकर भी कर दिया, डबल डेकर भी कर दिया, और क्या क्या साथ यूनिवर्सल में कर दिया, यूनिवर्सल है सब। देव सर से बेस्ट कोई कंपोनेंट पढ़ा सकता है आज की तारीख में? की बात सुनो, कोई भी नहीं सर, कोई भी नहीं सर। दिल्ली में गया मैं, 2-4 जगह देखा मगर किसके लिए नहीं कर दिया सर, इधर आके कर दिया। 2 दिन में बहुत अच्छा लगा सर, 2 दिन में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अभी तो अभी आपका 30 दिन का सफर बाकी है, 2 दिन की मैं आपकी ये पोजीशन है, ठीक है। और वाला मेरे को बताओ कि अगर एशिया टेलीकॉम के लिए आप क्या शब्द है आपकी? एशिया टेलीकॉम के लिए जितने हमारे जो कोई नजदीक जो है उनको इधर ही पढ़ाने को भेजेगा। एशिया टेलीकॉम के लिए आपका फीडबैक क्या है, मतलब दिल से क्या फीडबैक निकल रहा है? बहुत कॉम्पिटिशन से सिखाते सर, हमको बहुत कॉम्पिटिशन आता है कि सर ये काम हम कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस है, कॉम्पिटिशन हम सिखा पाएंगे और आप सीख पाओगे। CPU रिपोलिंग के अंदर एंड्रॉयड ड्यूल डेकर और आईफोन तक के CPU इससे की है, यूनिवर्सल स्टेंसिल से लैंग्वेज में समझाया। और मेरा मानना है जहाँ तक कि देव सर जैसा टेक्नीशियन और उनके जैसा R&D कोई नहीं कर सकता सर पूरे इंडिया में। तो आप उनका नॉलेज हमेशा गेन वाला नॉलेज देखते हो? यस सर। हमें के बाद क्या लगा आपको सर? वो
थ्योरी तो समझाते हैं, साथ में प्रैक्टिकल भी करते हैं, पूरा दिमाग में बैठता है, पूरा दिमाग में। आज शाम को प्रैक्टिकल होता है तो बिल्कुल बैठ जाता है। हाँ, तो प्रैक्टिकल में कोई, प्रैक्टिकल में या देव सर के पास कोई चीज आधी अधूरी रहती है क्या? नहीं नहीं, कोई काम कल पे छोड़ते हैं क्या? नहीं। अगर कंपोनेंट वन की क्लास रही है तो एक जरा सा भी छोड़ते हैं क्या? रिवीजन कितनी बार कराते हैं वो? कितनी बार आपको फॉलोअप लेते हैं, बैकअप लेते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं? जो तुमने धीरज जो अभी कोर्स पढ़ा ना, ये 10 दिन का कोर्स, 6 दिन का कोर्स या 8 दिन से कम का कोर्स नहीं है। जी, और हमने 2 दिन में कर लिया। 2 दिन में कर लिया, मतलब खाली तुमने कर लिया कि पूरी क्लास ने? पूरी क्लास ने कराया। यहाँ पर एकदम डीपली भी समझ आया, जैसे कि देव सर ने बहुत बहुत नज़दीक जाके समझाया, तो एकदम डीपली में उतर के फिर वहाँ से फिर प्रैक्टिकल में पूरे मुझे मालूम पड़ गया क्या देव सर कहाँ है। डबल डेकर सीपीयू, आईफोन का सीपीयू, आपने क्या कि नहीं किया? कौन सी स्टेंसिल देखा आपने? ये यूनिवर्सल देखी। यूनिवर्सल, थोड़ा बताइए। ये यूनिवर्सल देखी। ये सुबह आईफोन सीपीयू बनाया। कौन सी स्टेंसिल से बताया था? ऊपर करके बताइए। यूनिवर्सल से बनाया, ठीक है। टिपलिंग बनाया सबने। हाँ, और सर हर कंपोनेंट का, हर चीज़ का रोल है उसमें। सीपीयू कौन कौन से? और डबल डेकर। आईफोन कौन सी स्टेंसिल से? सर ये वाली स्टेंसिल से। स्टेंसिल है सर, हो जाता है सर, इससे भी हो जाता है। जेडी स्टेंसिल से भी कर देते हो, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो सर। उनके लिए कोई शब्द ही नहीं, इतना डीपली समझाते हैं, मजा आ जाता है बस। सर आप एक चीज क्लियर है आपकी? जी जी बिल्कुल, सारे कंपोनेंट क्लियर है। जी जी, जब क्लास की तो समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अच्छा, लेकिन इंट्रोडक्शन होने के बाद जो फर्स्ट दिन क्लास हुआ, हाँ, सर ने इतने डीपली समझाया कि पूरा समझ में आ गया। अब जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है उस तरह से पूरा समझ में आ रहा है, होता क्या है, हो कैसे रहा है। देव सर किस लेवल के सर? लेवल क्या उनका? उनके बारे में तो बोल ही नहीं सकती, इतनी एनर्जी उनके पास, हम कम गिर जाते हैं उनके एज के हिसाब से, उतनी एनर्जी हमारे पास कभी भी नहीं आ सकती सर। ये यूनिवर्सल स्टेंसिल, इसको यूनिवर्सल स्टेंसिल ही बोलते हैं ना। इसमें आपने क्या 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 मेरे भाई? आज डबल डेकर और एक आईफोन का सीपीयू। आईफोन का भाई नेपाल से, नेपाल से भाई, डबल डेकर, डबल डेकर, डबल डेकर सीपीयू आपने इसी स्टेंसिल से करा? जी। आप सच बोल रहे हैं? हो रहा भाई आप सर, बहुत डीपली समझे उसमें, पूरा नेक्स्ट लेवल तक, नेक्स्ट लेवल तक समझा। नेक्स्ट लेवल का एंडलेस है, इसके ऊपर कुछ है क्या? पूरा चीज उसका सारा प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया सर? बोर्ड पे किया प्रैक्टिकल? यस सर। बात करूँ कैपेसिटर की, बात करूँ मैं रजिस्टर की, बात करूँ मैं कॉइल की, मैं बात करूँ मैं आपसे डायोड की, सारा चीज एक एक समझ में आया कि उसका काम क्या होता है समझ में आया कि नहीं? पीसीबी के बाहर क्या होता है, अंदर क्या होता है समझ में आया कि नहीं आया? एक एक चीज क्लियर है कि नहीं? होल टेस्टिंग, हार्ड टेस्टिंग, सीरीज, पैरेलल, कैपेसिटर सीरीज में लगाया तो क्या काम कर रहा है, पैरेलल में लगाया तो क्या काम कर रहा है, सारा चीज क्लियर है आपको? क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? एशिया टेलीकॉम के लिए यही बोलेंगे सर, यहाँ पर बेस्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल से सिखाते हैं, और कोई भी टेलीकॉम इंस्टीट्यूट में नहीं सिखा पाते हैं। जैसे बहुत अच्छा डीपली से समझाते हैं सरल भाषा में एकदम। ठीक है, ऑल द बेस्ट।